इतिहास हिंसक लोगों से भरा पड़ा है जिसकी कल्पना भी हम आम लोग नहीं करते। इन्हीं हिंसक अपराधियों में से एक सीरियल किलर था, जिसे इतिहास की लेंस से देखें तो इतना स्पष्ट है कि वो इंसान के वेश में हैवान था। आज की क्राइम की स्टोरी में हम बात कर रहे हैं कार्ल डेनेक की। कार्ल डेनेक के बारे में बहुत कम जानकारियाँ हैं। वो रहस्य में डूबा हुआ एक घिनौना व्यक्ति था। हम उसकी हत्याओं, उसके भयावह घर की घटनाओं या उसके तौर तरीके के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि क्रूर आदमी ने 1900 के शुरुआती दशक में दर्जनों यात्री और होमलेस लोगों को उसने मार डाला और उनका नरभक्षण भी किया। शायद तथ्यों की कमी के कारण डेनेक को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, हालांकि उसके अपराधों की अधिक गहन जांच होनी चाहिए थी। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आइए इतिहास के सबसे विचित्र सीरियल किलर पर एक नज़र डालते हैं। कार्ल 1860 में प्रासिया साम्राज्य में पैदा हुआ था। कार्ल डेनेक आधुनिक सीरियल किलर में से पहला था। वो टेड बंडी और जेफरी डैमर के उदय से बहुत पहले आया था। डेनेक के परिवार के पास अपना खुद का खेत था। वे आर्थिक रूप से सुरक्षित थे। आम लोगों के लिए उस वक्त जिसके पास पैसा होता था उसका चरित्र खुद ब खुद अच्छा हो जाता था, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी। आम लोग अमीरों को भगवान नहीं तो उससे कम भी नहीं मानते थे। कई सीरियल किलर कम उम्र में व्यवहार संबंधी समस्याएं प्रदर्शित करते हैं। आमतौर पर टीनेज के आसपास व्यवहार में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कार्ल डेनेक का मामला भी अलग नहीं था। वो सॉफ्ट स्पोकन लेकिन एक प्रॉब्लमैटिक बच्चा था। 12 साल की उम्र में वो घर से भाग भी गया था। साइकेट्रिक में एक टर्म है, मैकडोनाल्ड ट्रायड, जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बिस्तर गीला करना, जानवरों के लिए क्रूरता और आगजननी करना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण यदि बचपन में मौजूद है तो इसका साफ मतलब है कि उसे एक मानसिक परेशानी है और उस व्यक्ति के जीवन में हिंसा की संभावना का संकेत देता है। लेकिन अभी निष्पक्षता से मैकडोनाल्ड ट्रायड की वैधता के बारे में कुछ बहस है। हालांकि अगर यह सच है तो प्री टीन्स और टीन्स में तीनों लक्षण पाए जाने पर उनके हिंसक होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन उम्र के आसपास व्यवहार संबंधी समस्याएं साइकोपैथी का सुझाव देती है और ये अक्सर पाई भी जाती है। इतना इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं कोई डॉक्टर हूँ, इसका सीधा लेना देना कार्ल डेनेक से। कार्ल एक शर्मिला लड़का था जिसे व्यवहार संबंधी समस्याएं थी, जिसके कारण वह घर से भाग गया था। लेकिन हम नहीं जानते कि क्या वह मैकडोनाल्ड ट्रायड के प्रोफाइल में फिट बैठता था कि नहीं। फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसकी व्यवहारिक समस्याओं ने मॉडर्न डे डायग्नोस्टिशियन का ध्यान आकर्षित किया होगा। शायद ऐसा व्यक्ति काल के जानलेवा भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम होता। 12 साल की उम्र में डेनेक के घर छोड़ने के बाद वह एक मालिक के लिए एक प्रशिक्षु बन गया, भूमि निर्माण का काम करने लगा। हालांकि जब डेनेक 25 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसने विरासत के रूप में पुराने खेत का एक हिस्सा दे दिया गया। डेनेक ने खेती करने की कोशिश की लेकिन उसे कभी भी खेती या बागवानी में कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए उसने अपना प्लॉट बेच दिया और मकान मालिक के रूप में किराए पर घर देने के लिए एक घर खरीद लिया। घर में कई किराएदार थे और कई यात्री भी वहाँ से गुजरा करते थे, इसने इसे लंबे समय तक कई लोगों की हत्या करने के लिए एकदम सही जगह बना दिया। हालांकि डेनेक 8000 की आबादी वाले एक छोटे से शहर में रहता था, जिसे शायद ही हम शहर कहेंगे, लेकिन तब ये शहर ही था। छोटे शहर में सभी सभी को जानते हैं, जिस कारण डेनेक को भी लगभग सभी जानते थे। नगरवासी डेनेक को पापा या अन्य उपनामों से बुलाया करते थे, जो सुझाव देता है कि वो नगरवासियों के लिए एक पिता के समान था। यह सम्मान ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे भी कारण था। वो अजनबियों को और बेघरों को अपने घर में मुफ्त रहने के लिए अनुमति दे देता था। वह एक उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। डेनेक ने यह सब गहरे धार्मिक कारणों के कारण किया, जो उसकी हत्याओं को और भी अधिक डिस्टर्बिंग करने वाला लगता है। डेनेक स्थानीय चर्च का एक अत्यंत सक्रिय सदस्य था। उसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी तो शांत और अपने जीवन में आनंदित दिखता है, फिर उसका दूसरा पहलू सामने आता है जिसमें हत्याएं और नरभक्षण की कहानी सुनने को मिलती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, इस मुद्दे पर स्रोत बहुत दुर्लभ है, लेकिन किसी को भी इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस आदमी ने पूरी तरह से अपनी व्यक्तित्व को कैसे बदल दिया और खुद एक भयानक राक्षस बन गया। डेनेक के मामले का एक अजीब पहलू यह है कि वह क्रूर हत्यारा और एक ही लोगों का हितैषी दोनों था। शायद ही कभी भ्रष्ट मनरोगी, हत्यारे या नरभक्षी अपने पीड़ितों की देखभाल करते हैं और फिर उनकी हत्या कर देते हैं। हालांकि विवरण दुर्लभ है, लेकिन डेनेक की पहली हत्या संभवतः 1909 में की गई थी, जब उसने 25 वर्षीय एमा सैंडर की हत्या की। यदि यह कहानी सही है तो डेनेक ने 15 साल में कम से कम 30 लोगों की जान ली। लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जिसने इस हत्या के होड़ को समाप्त किया। 21 दिसंबर 1924 की सुबह एक यात्री विंसेस ओलिवर खून में लथपथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। उसने उस हाल में पुलिस को बताया कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि कार्ल डेनेक है। उसने बताया कि बीती शाम उसने कार्ल के घर रुकने का चाहा। बाकी यात्रियों की तरह जब वह सुबह उठा तो उस पर कार्ल ने कुल्हाड़ी से हमला किया, लेकिन वह किसी तरह बच के निकला और सीधा पुलिस के पास पहुंच गया। पुलिस उसकी कहानी पर हंसी क्योंकि डेनेक की एक छोटे शहर में सभी नागरिक के रूप में एक ठोस प्रतिष्ठा थी।
डेरेक पर इस तरह का व्यवहार का आरोप लगाना बेतुका था, अकल्पनीय था। लेकिन ओलिवर अपनी बात पर कायम रहा, जिसके बाद पुलिस ने डेरेक से पूछताछ की। डेरेक ने कहा कि ओलिवर ने उसे लूटने की कोशिश की थी और उसने आत्मरक्षा में हमला किया था। बहरहाल उसने माना था कि उसने हमला किया था, जिस कारण पुलिस ने डेरेक को गिरफ्तार किया। उसे थाने ले जाया गया और वहाँ की सेल में रख दिया गया। बाद में वह फांसी पर लटका हुआ पाया गया। डेरेक ने लॉकअप में आत्महत्या की। इसने सबको और चौंका दिया और सभी को लगने लगा कि बेगुनाह काल बेइज्जती के कारण खुदकुशी की है। सच्चाई तो कोई नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन इसके बाद पुलिस ने डेरेक के घर की जांच की और फिर जो सामने आया उसने सबको स्तब्ध कर दिया। ऐसी भयानक तस्वीर किसी ने इससे पहले शायद सोची भी नहीं होगी, देखने का तो सवाल ही नहीं है। अधिकारियों को दीवार पे नकासीदार मानव मांस, मानव हड्डियाँ और शरीर के अंग मिले। यहाँ तक कि लाशों को ठिकाने लगाने के लिए एक लकड़ी का बैरल मिला, यह कुछ हद तक जेफरी डैमर के अपार्टमेंट में प्राप्त कुख्यात नीले बैरल के समान था, जो मानव शरीर को ठिकाने लगाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा हुआ था। पुलिस को मौकाए वारदात से मानव खाल से बने जूते के फीते मिले। अधिकारियों ने बेल्ट, सस्पेंडर्स और मानव त्वचा से निर्मित अन्य वस्तुओं के ढेर को उजागर किया। वर्षों बाद कुछ संरक्षित नमूनों पर डीएनए परीक्षणों ने पुष्टि की कि मांस असली मानव मांस थे। कार्ल डेरेक की हत्या और नरभक्षण की भीषण होड़ के तुरंत बाद उसके अपराधों के आतंक को जल्द ही भुला दिया गया, इसलिए कार्ल डेरेक को द फॉरगॉटन कैनिबल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। कार्ल और उसके भयानक अपराधों की तस्वीर मौजूद है, इसलिए वह एक वास्तविक व्यक्ति था, यह तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसकी भयानक कहानी को इतिहास के किस कूड़ेदान में डाल दिया गया।